तो आज आज की टॉपिक ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप कन्वर्जन। ओके, तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दो टाइप के डेटा कन्वर्जन होते हैं। एक होते हैं आपको वाइड रेंज वाइडनिंग कन्वर्जन, और एक होते हैं तो आपको नैरोइंग कन्वर्जन। तो वाइडनिंग कन्वर्जन एंड नैरोइंग कन्वर्जन, ये सब आपको मैं बता दूंगा। एंड वाइडनिंग कन्वर्जन में मैं जब डेटाबेस को या मतलब डेटा टाइप को अगर मैं बहुत छोटे डेटा टाइप को बहुत ही बड़े डेटा टाइप से कन्वर्ट करता हूँ, जैसे बाइट टू फ्लोट, तो जो बाइट टू फ्लोट अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वहां पे रेंज जो है उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा है, तो इसे कहते हैं वाइडनिंग कन्वर्जन। तो वाइडनिंग कन्वर्जन में बहुत से आ जाएंगे, जैसे कि आप खुद से आप इमेजिन कर सकते हो कि बाइट टू शॉर्ट, बाइट टू इंट, बाइट टू लॉन्ग। ओके, तो इंट टू लॉन्ग, इंट टू फ्लोट, इंट टू डबल, फ्लोट टू डबल, तो ये सब हमारे वाइडनिंग कन्वर्जन हो गए। ओके, अब वो यहाँ पर एक होते हैं नैरोइंग कन्वर्जन। सो नैरोइंग कन्वर्जन क्या होते हैं कि जो भी हमारा जो भी डेटा टाइप होता है ना, उसके बीच में जो गैप होती है, जो डेटा टाइप के बीच में जो स्टोरेज जो गैप होती है वो बहुत कम होती है। ओके, जो रेंज होती है उन दोनों के बीच की वो बहुत कम होती है। जैसे आप देख लो, शॉर्ट टू बाइट, इन टू शॉर्ट या इन टू बाइट, फिर डबल टू फ्लोट, तो ये जो कन्वर्जन है ये बहुत नैरो नैरो कन्वर्जन हो गया। तो इसे दो टाइप से हम इसे डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, और फ्यूचर में अगर कभी मैं एक वाइडनिंग कन्वर्जन अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो वहां पर वो प्रॉब्लम हमें नहीं हमें वहां प्रॉब्लम अगर आए भी तो हम समझ सके कि ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है। तो आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि वाइडनिंग कन्वर्जन क्या होते हैं, और फिर शॉर्ट ये क्या बोलता हूँ आपको, नैरोइंग कन्वर्जन क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले आपको वाइडनिंग कन्वर्जन के बारे में आपको बता देता हूँ, एंड देन वहाँ आपको मैं नैरोइंग कन्वर्जन के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर वाइडनिंग कन्वर्जन और नैरोइंग कन्वर्जन के बीच में क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो आप यहाँ देखो, मैं पहले से कोड रेडी करके रखा हूँ कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैं फ्लोट टू डबल कर रहा हूँ। ओके, फ्लोट टू डबल मैंने कन्वर्जन करा है। तो यहाँ कन्वर्जन करने के लिए पहले मुझे ये करना होगा कि मैं फ्लोट एक डेटा टाइप एक वेरिएबल में रख दिया, एंड देन डबल एक डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसे मैं एक डबल वेर कर एक मतलब वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने रखा है। अब यहाँ जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करा है कि ये जो फ्लोट जो वेरिएबल है ना उसे मैं डबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, टाइपकास्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो टाइपकास्टिंग जो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, इससे क्या होता है, ये मैं यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से मैंने प्रिंट कराया। तो आप अभी देख पाओगे कि क्या इसमें एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। ओके, तो यहाँ देखो, फ्लोट वेर इज 13.45 एंड डबल इज आपको ये 13.449999 समथिंग। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा इसकी रेंज चली जा रही है। तो यहाँ पर वाइटनिंग जो कन्वर्जन है इसमें एडवांटेज ये है कि जो भी मेरे छोटे से छोटे जो पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद अगर जो भी एलिमेंट आते हैं, जो भी डिजिट आते हैं, वो भी वहां पर मौजूद रहेगा, वो मिसिंग नहीं रहेगा, वो वहां पे मेरे डेटा जो है वो मिस नहीं होगी, वो सब वही रहेगी। ओके, और मुझे वैसा ही शो होगा। तो ये होती है वाइडनिंग कन्वर्जन। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ नैरोइंग कन्वर्जन क्या होता है। नैरोइंग कन्वर्जन मतलब आप देख सकते हो, नैरोइंग कन्वर्जन मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हमारे डेटा टाइप होते हैं वो छोटे से बड़े से छोटे अगर बाइट में अगर आते हैं उसे नैरोइंग कन्वर्जन कहते हैं। ओके, और अगर छोटे से बड़े अगर एलिमेंट में अगर रेंज ज्यादा है तो उसे हम वाइडनिंग कन्वर्जन कहते हैं, क्योंकि बड़े से छोटे पे अगर डेटा टाइप अगर हम आ रहे हैं तो उसमें ज्यादा मतलब हमारे डेटा मिसिंग नहीं होंगी,
नहीं, बड़े से छोटे अगर इसमें आते हैं तो हमारी डेटा यहाँ पे मिसिंग हो सकती है, और छोटे से बड़े जाऊंगा तो वहां पर तो वो उसके पास ऑलरेडी इतनी स्पेस है, स्टोरेज स्पेस है जो कि वहां पे हमें शो कर देगा उसके अंदर रखी हुई जितनी भी डिजिट है, ओके, जितनी भी एलिमेंट है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, सॉरी वेट, अब मैं यहां पर इसे रन करूंगा। अब आप देखो रन करने के बाद से ये होता क्या है, तो डबल वेर इज 13.444444456 जो कि इसकी वैल्यू है, ओके, डबल की वैल्यू है, ओके। अब फिर क्या है कि यहाँ पे जो फ्लोट वेर, जब मैंने इसे टाइपकास्ट करा तब यहाँ देखो क्या आता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके, इससे मैंने जब टाइपकास्ट करा तो यहाँ पे आता 13.44445, ओके। तो ये प्रॉब्लम हमारी आ सकती है अगर मैं नैरोइंग कन्वर्जन करता हूँ तो, ओके। अब आपको मैं दूसरे आपको एक और मैं बता देता हूँ। अब आप गेस करो कि क्या ये जो मैं अभी ये कोड अभी आपको जो शो हो रही है क्या वो क्या ये कोड लॉ ये नैरोइंग कन्वर्जन है या वाइडनिंग कन्वर्जन है? तो आप अभी थोड़ा सोचो एंड देन आप बताओ कि ये नैरोइंग है या वाइडनिंग कन्वर्जन है, ओके। तो ये मैं आपको बता देता हूँ अभी कि ये वाइडनिंग नैरोइंग कन्वर्जन है, ओके, क्योंकि लॉन्ग टू इंट हो रही है, ओके। तो यहाँ पर हमारे डेटा मिस होने के चांसेस ज्यादा है, ओके। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख लो लॉन्ग इज 2000000 एंड आप रुक जाओ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आप आपको नहीं आएगा, फिर मैं यहाँ पे इसे रन कर देता हूँ। एंड लॉन्ग इज 2000000 समथिंग, ओके, एंड इंट वेर इज 2000, कितने जीरोज है, रेंज में ही इंट की वेरिएबल को वैल्यूज को रखा था, जो कि लॉन्ग की जो वैल्यू है ना वो मैं उतना ही रखा था जितनी इंटीजर की वैल्यू है जो कि शो नहीं हो रही थी हमारी आउटपुट। तो मैं यहाँ पर 0, 2, 2, 3, 0 मैं और ज़्यादा इंक्रीमेंट कर दिया हूँ ताकि उससे वो आउटपुट मुझे डिजायर्ड आउटपुट मिल सके जिससे मैं आपको समझा सकूँ, सॉरी। तो यहाँ देखो आप क्या है, इंट वेर इज माइनस में आ गया ये वैल्यू। तो ये हमारी यहाँ पर जो डेटा जो माइनस में आ गई तो इस वजह से हम ज्यादा नैरोइंग कन्वर्जन नहीं करते, ओके। जो भी करते हैं हम यही करते हैं, वाइडनिंग कन्वर्जन पे ही हम फोकस ज्यादा करते हैं ताकि हमारे डिजायर्ड आउटपुट मिल सके, और अगर वो भी नहीं मिलता है तो हमें इस पे एकदम एग्जैक्ट आउटपुट मुझे चाहिए, ओके। तो इससे ये फायदा होता है कि हमें एग्जैक्ट आउटपुट मिलता है किससे, तो वाइडनिंग कन्वर्जन से, नैरोइंग कन्वर्जन से हमारे एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिलती, ओके। थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी ये समझ में आया होगा तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी वो आप कर सकते हो, एंड बाय।